44 करोड़ रुपए का टेंडर घोटाला सामने आया है। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के लिए POS मशीन खरीद का मामला, चेन्नई की कंपनी ओएसिस को 2020 में इसका ठेका दिया गया था। दो साल बाद भी ओएसिस कंपनी ने अपना काम शुरू नहीं किया। गुरु प्रसाद संजय भूसरेड्डी ने कठिन शर्तों को रखा था। POS मशीन टेंडर में ऐसी शर्तें रखी गई जैसे कोई और ना आ सके। 3 टेंडर भरे गए लेकिन 2 फर्मों ने अनर्स्ट मनी नहीं लगाई। केवल ओएसिस के हिसाब से अफसरों ने टेंडर बनाया। POS मशीन नहीं लगने से 2 साल में हजारों करोड़ का नुकसान हुआ, घाटा हुआ। दक्षिण भारत की कंपनी पर मेहरबान रहे संजय भूसरेड्डी, जिन पर कई आरोप लगते हैं। आबकारी विभाग का बड़ा घोटाला, 544 करोड़ का टेंडर घोटाला। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के लिए POS मशीन को खरीदा गया, चेन्नई की कंपनी ओएसिस को 2020 में इसका ठेका दिया गया था। 2 साल बाद भी ओएसिस कंपनी ने अपना काम शुरू नहीं किया। और वीरेन सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए, हमारे स्टेट हैं। वीरेन जी, ये एक बड़ा टेंडर घोटाला सामने आया है, 2 साल के बाद भी इसमें काम नहीं शुरू किया गया। देखिए, ये 500 करोड़ से ऊपर का ज्यादा का टेंडर का मामला है जिसको आबकारी विभाग में घोटाले के तौर पर देखा जा रहा है। ये POS मशीन खरीदी जानी थी जिससे कि जो शराब निकलती है उसको ट्रैक किया जा सके, उसको टेस्ट किया जा सके और कहां पर कितनी बोतल गई है, कहां पर कितने उसका सबका एक ऑनलाइन डाटा फीड होना था, रहना था। लेकिन 2020 में ये टेंडर हुआ। टेंडर जिस कंपनी को दिया गया उसमें 3 टेंडर आए थे, 2 कंपनियों ने तो उसमें अर्नेस्ट मनी नहीं जमा की और ओएसएस कंपनी के हिसाब से शर्तें बनाई गई। शर्तें इतनी कड़ी बनाई गई कि इसके अलावा कोई और कंपनी भाग नहीं ले पा रही थी और इनको टेंडर दे दिया गया। 1 साल में काम शुरू होना था 21 में, लेकिन 22 चल रहा है और आज तक काम नहीं शुरू कर पाए। सरकार को दिखावे के लिए खाली एक डेमो कराया गया कि काम हो रहा है। गुमराह किया जा रहा है सरकार को संजय भूसरेड्डी के द्वारा, जो अपर मुख्य सचिव आबकारी हैं। आबकारी महकमे में पहले पी गुरु प्रसाद कमिश्नर थे, उनके टाइम में टेंडर हुआ था और संजय भूसरेड्डी ACS थे। इन अफसरों ने मिलकर किस तरह से मनमानियां कर रखी हैं और सरकार के खजाने को ये लोग चोट पहुंचा रहे हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय को ये लोग गुमराह करते हैं। इसका नतीजा है कि ओएसिस कंपनी 2 साल से काम नहीं कर रही, जिसके चलते 2000 करोड़ के लगभग सरकार को नुकसान हो चुका है, क्योंकि शराब की बोतलों पर जो ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लागू होना था वो नहीं हो पाया है। और आबकारी महकमे में संजय भूसरेड्डी की मनमानियां लगातार जारी हैं। अब वो दक्षिण भारत के रहने वाले हैं और वो उसी इलाके के लोगों को ज़्यादा पसंद करते हैं। ये जो कंपनी है चेन्नई की कंपनी है ओएसिस कंपनी, और ये माना जा रहा है कि प्रमुख सचिव पूरी तरह से उस पर मेहरबान है, जिसके चलते वो काम नहीं कर रही है, सरकार को नुकसान हो रहा है, उसके बावजूद उसका टेंडर 2 साल से बरकरार है। जी, बहुत शुक्रिया वीरेन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।